मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ खान पान के लिए भी काफ़ी मशहूर है। वैसे तो भोपाल में खाने की बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, मगर उनमें से ही एक यहाँ की बिरयानी है। बिरयानी वैसे तो आपने भारत के अलग-अलग हिस्सों की बहुत तरीके की खाई होंगी, पर क्या कभी आपने भोपाल की बिरयानी चखी है? भोपाल की बिरयान बाकी बिरयानियों से काफ़ी अलग होती है। यहाँ के मसाले अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो चलिए बिरयानी बनाने वाले कुछ कुक से बात करके जानते हैं कैसे वो इस बिरयानी को तैयार करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम कमर अहमद जी। तो यहाँ पे आप कितने साल से बिरयानी बेच रहे हैं? करीबन 18 साल हो गए। तो आपकी बिरयानी कैसे बनती है? ये जो भोपाल की फेमस बिरयानी है, ये फेमस है बिरयानी अपनी भी, ये मीट की बिरयानी है। मीट की चावल वगैरह रहता है, रेसिपी आपको बताऊँ इसकी। में गरम मसाला रहता है, प्याज रहती है, और भी चीज़ अदरक लहसुन रहता है, दूसरी चीज़ें रहती हैं, जायफल बत्ती रहती है वगैरह, सब चीज़ रहती है उसके अंदर डालते हैं, जब जाके ये तैयार होती है। जी, तो ये बाकी बिरयानियों से अलग कैसे होती है? जैसे हैदराबादी बिरयानी होती है। हैदराबाद बिरयानी अलग रहती है, मसाले वाली रहती है, वो सालन की बनती है, सालन वगैरह की बनती है, उसके अंदर सालन बनाते हैं पहले, फिर चावल डालते हैं, ऐसा है। ये सादी बिरयानी रहती है जी। तो आप कितने रुपए की ये मिलती है बिरयानी? ये अपनी 160 रुपये के जी। और भोपाल में किन किन जगहों पर ये मिलती है बिरयानी? मेरे ख्याल से भोपाल में सभी जगह पे ये मिलती है, अलग अलग सब जगह, काजी के हुआ, भोपाल इलाके हुआ, जाकिरबाद हुआ, सभी जगह मिलती है। नमस्कार, आपका नाम? नींदे। कौन कौन से मसाले डलते हैं इसमें? गरम मसाला डलता है, अदरक लहसुन पेस्ट लगता है उसके बना के, दो तीन आइटम और डलते हैं इस तरीके से बनाया जाता है।